चीजें जरूरी है रिश्ते के लिए। सबसे पहली चीज एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग। अभी मैं रिश्तों के इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूं, आप लिख लीजिए। सबसे पहले एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना जरूरी नहीं है, एक दूसरे को समझना जरूरी है। फीलिंग्स को एक तरफ रख दो, अभी कॉर्ड कट करके रखो, कॉर्ड मत जोड़ो लोगों से, मगर रिश्ते अच्छे रहो। कॉर्ड तो कनेक्ट होती है, पर रिश्ते अच्छे नहीं होते। एम आई राइट और रॉन्ग? इमोशनली तो कनेक्ट है बहुत ज्यादा, उसके लिए पता नहीं क्या कर दो, पर रिश्ते खराब हो रखे, चाहे कारण जो भी हो, कारण चाहे जो भी हो, कनेक्शन तो है, उसको चोट लगती है तो आंसू मुझे आते हैं, बट उसके आंसू पहुंचने के लिए हाथ नहीं बढ़ते। आंसू पहुंचने के लिए हाथ बढ़ाओ, उसको चोट लगे तो आंसू लाने की जरूरत नहीं। मेरे बेटे को चोट लगती है तो मुझे आंसू नहीं आते, मैं उसके आंसू पहुंच देता हूं। कॉर्ड डिस्कनेक्ट करके रखो बेशक, बट रिश्ते बना के रखो। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई रिश्ते बनाने हैं तो सैक्रिफाइस करना जरूरी है एक दूसरे के लिए। अब उस सैक्रिफाइस के भी पैरामीटर्स हैं, यानी कि रिश्ते अच्छे बनाने हैं पहली चीज अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, उसको समझना। अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की नहीं कह रहा, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। तो कहने का मतलब आपने एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनाने का तो लेवल बाद में आएगा, वो तो बहुत बाद की बात है कि जब एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अभी आपने एक इंसान ने दूसरे इंसान को अंडरस्टैंड करना, उसको समझना है। एंड सेकंड थिंग इज सैक्रिफाइस। अंडरस्टैंडिंग के बाद बात आती है सैक्रिफाइस की, और सैक्रिफाइस के भी पैरामीटर्स हैं। सैक्रिफाइस के क्या पैरामीटर्स हैं? चार तरह के इंसान होते हैं, तो आपने देवता बन के सैक्रिफाइस नहीं करना, यानी कि दूसरे के लिए सैक्रिफाइस वहां तक करना है जहां पे आपका नुकसान होना शुरू ना हो जाए। वैसे तो सैक्रिफाइस का मतलब ही होता है त्याग, पर आप उसी चीज को त्यागें, उतना ही त्याग करें जितना त्याग करने से आपको परेशानी ना। गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि नुकसान नहीं करना उसको, मगर उसका फायदा भी वहीं तक करेंगे जहां तक आपका नुकसान ना हो। यानी कि इसके पैरामीटर्स क्या है, आप एक परिवार में रहते हैं, ब्लड रिलेशन में रहते हैं, आप दो हस्बैंड वाइफ हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं और उस पहियों के ऊपर दो बच्चे सवार हैं जिनको आप लेकर जा रहे हो, और दो बुजुर्ग भी बैठे हैं आपकी गाड़ी, ठीक है, और आप दोनों ने वो गाड़ी चलानी। आप ग्रस्त जीवन जी रहे हो, हस्बैंड वाइफ दोनों यंग हो, दो बच्चे हैं, दो माँ बाप, ये आपका छोटा सा परिवार। अब जो वाइफ है उसको वहां तक सेक्रीफाइस करना चाहिए जहां तक उसकी एक लिमिट हो, यानी कि उन सैक्रिफाइसेस के चक्कर में इमोशन कोशंट अपना खराब नहीं करना है, अपनी हेल्थ खराब नहीं करनी है। पहले उन 24 घंटे में से 8 घंटे अपने लिए निकालने हैं, फिर बाकी वो जो 16 घंटे है वो परिवार के लिए या 14 घंटे काम कर, ये परिभाषा है उस सैक्रिफाइस की। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप रिश्तों को बरकरार रखना चाहते हो बहुत बेहतरीन तरीके से, आज ब्रीफ में बता रहा हूँ, ये सारे एक एक घंटे के टॉपिक है, सारे एक एक सेशंस में आएंगे धीरे धीरे, पर आज क्योंकि मैं रिश्तों की बात कर रहा हूँ तो रिश्तों के इंग्रेडिएंट्स की बात होना जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है स्पेस। आपको नहीं लगता कई बार, हाँ या ना में जवाब दीजिए, कई बार हम दूसरे को के स्पेस में चले जाते हैं, उसको स्पेस ही नहीं देते, उसको इतना कमांड करना शुरू कर देते हैं। What do you think, सुमन? कई बार दूसरे का स्पेस खत्म कर देते हैं हम, है कि नहीं? तो स्पेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिश्तों। आप अपने पार्टनर को, अपने बच्चे को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को बहुत प्यार करते हैं, बट यार उनको स्पेस भी तो दे दो ना थोड़ा सा। अब जरूरी थोड़ी है कि वो इंसान बाहर गया और हर 2 घंटे के बाद आपको कॉल करके बताएगा। इसको मैं फॉलो करता हूं, मेरी टीम भी जानती है, अब तो मेरी टीम मेरे साथ काम कर रही है पिछले काफी टाइम से, और मैं पूरा पूरा दिन स्टूडियो में होता हूँ, सुबह 10 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक स्टूडियो में होता हूँ। आप पूछना उनसे, कभी एक फोन नहीं आता है मेरे घर से, क्योंकि मैंने उनको बता रखा है कि अगर यहाँ पे घर पे कोई भूचाल आएगा तो आप मुझे कॉल करेंगे, मैं काम करने जा रहा हूँ, और अगर वहां पे भूचाल आएगा तो आपको कॉल आ जाएगा।
जब तक घर पे भूचाल ना आए आप मुझे कॉल नहीं करेंगे, जब तक मेरे ऑफिस में भूचाल नहीं आएगा मैं आपको कॉल नहीं करूंगा, दैट्स कॉल्ड स्पेस। अब होता क्या है, रिश्ते कई बार यहीं पे जंजाल बन जाते हैं, हर दो घंटे में, हाँ जी क्या कर रहे हो जी, भाई साहब रुको, गिव देम स्पेस। कुछ नई भी होती है ना चीजें तो भी हो जाती हैं शुरू। वो बंदा कहता यार दिमाग खराब कर दिया, मैंने क्यों प्यार किया था इस लड़की को, भाई अभी समझ क्यों नहीं रही है, गर्लफ्रेंड नहीं है अब तू मेरी बीवी बन गई है, भाई मैं तेरा ही हूं मेरी माता, मैं कहीं नहीं जा रहा, हर दो घंटे में कॉल। वो बंदा मीटिंग में बैठा है कॉल पे कॉल, व्हाट द हेल आर यू, मतलब कर क्या रहे हो आप। अभी आपको लग रहा हो ये चादर में तो शांत व्यक्ति बैठा था, एकदम से कहां से अनुराग सूर्यवंशी का भूत आ गया इसके अंदर कोट वाला। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि गिव देम स्पेस। अब जो मेल लोग यहां पे सुन रहे हैं, अगर आपकी बीवी आपकी वाइफ यहीं पे आ रहा था, जो मेल लोग हैं आपकी बीवी या आपकी बहन कहीं जा रहे हैं, वो बोल के गए हैं कि भाई नाइट पार्टी है, रात को 12 बजे तक आएंगे, क्यों लकड़ी तोड़ रहे हो 9 बजे से फोन करके, अपना भी मूड ऑफ कर रहे हो, उनकी भी पार्टी खराब कर रहे हो, भाई आप किस जमाने में जी रहे हो। गिव देम स्पेस। घर पे भूचाल आएगा उनको पता लग जाएगा, वहां भूचाल आएगा आपको फोन आ जाएगा। अगर फोन नहीं आ रहा इसका मतलब सब ठीक है। लोग कहते हैं फोन नहीं आ रहा, क्यों नहीं फोन आया, यार फोन नहीं आ रहा इसका मतलब सब कुछ ठीक है। ये क्राइम पेट्रोल मत देखा करो भाई, क्राइम पेट्रोल देखना छोड़ दो, ये क्राइम पेट्रोल और पता सावधान इंडिया और कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखिए 800 करोड़ की पॉपुलेशन में पूरी दुनिया में कभी ना कभी किसी ना किसी पल किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई अत्याचार होता रहा है, पूरी पुरानी दुनिया में भी, 100 साल पहले भी, बल्कि ज्यादा होता था। उस टाइम न्यूज चैनल और लाइव रिपोर्टिंग्स नहीं थी, अत्याचार नहीं बढ़ रहे हैं आजकल, अत्याचार कम है। वो एक कहीं घटना घटती है वो पूरे देश में पहुंच जाती है। कितने लोग अग्री करते हैं मुझसे, 200 साल पहले ज्यादा अत्याचार होते थे, इतिहास उठा के देखो भाई आप, 200 साल पहले ज्यादा अत्याचार होते थे, आजकल लोग सिविलाइज्ड हैं। आजकल जो ये घटनाएं घटती हैं मैं मानता हूं, और ये एरिया बियॉन्ड कंट्रोल, मेरे हाथ में नहीं है, देखो आपके हाथ में भी नहीं है, न्यूज रिपोर्टर के हाथ में भी नहीं है, जो घटना घट गई दैट इज एरिया बियॉन्ड कंट्रोल, अब तो घट चुकी। तो उस घटना को देख देख के हम नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जाते हैं, और हमारी बीवी बाहर जाती है या हमारी बहनें बाहर जाती हैं, माताएं बाहर जाती हैं, वो फोन नहीं करती तो हम इरिटेट हो जाते हैं। सो कहने का मतलब बहुत ही बढ़िया, या बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई टोटली अग्री विद यू, मीडिया हाईलाइट इज टू मच, वो एक न्यूज पकड़ के सब कुछ कर देते हैं। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि अगर अपने घर में रिश्ते अच्छे बना के रखने हैं, बहुत ही सौहार्दपूर्ण जीवन जीना है, तो आप न्यूज ना देखें। वैसे तो मैं आपको बोल रहा हूं पर मेरे फादर ही मेरी नहीं सुनते हैं, लिविंग रूम में न्यूज ही चल रही होती है उनके, मैं जाके उनको बंद कराता हूँ। अभी शाम को मैं गया और न्यूज चल रही, मैंने कहा तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहेंगे, मैंने बेटे से बोला, मैंने कहा बेटा तू अपना कार्टून ही देख, तो उसको बोला, उसने कार्टून लगाया। तो कहने का मतलब अगर रिश्तों में बहुत बढ़िया मधुरता लानी है तो एक दूसरे को स्पेस दें।